अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तभी से फिल्म लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। दर्शकों ने इसके ट्रेलर को बेहद ही शानदार रिस्पॉन्स दिया था। वहीं बॉलीवुड स्टार्स भी लगातार तानाजी के ट्रेलर पर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। हाल ही में सलमान ने अजय देवगन की इस फिल्म के ट्रेलर पर अपनी राय पेश की थी, जिसके बाद अजय ने भी सलमान के रिएक्शन पर कमेंट करते हुए धन्यवाद किया था। वहीं अब लीजिए बॉलीवुड के एक और बड़े सुपरस्टार ने तानाजी के ट्रेलर पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ऋतिक रोशन है। बता दें कि ऋतिक ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर तानाजी के ट्रेलर की तारीफ की है। ऋतिक ने ट्वीट कर लिखा है, शानदार ट्रेलर, खूबसूरत विजुअल्स, तानाजी की पूरी टीम को शुभकामनाएं। बता दें कि ऋतिक ने ना सिर्फ ट्रेलर की तारीफ की बल्कि इसके रिलीज को लेकर फिल्म की टीम को विशेष भी दिए। फिल्म तानाजी के ट्रेलर के साथ ही फिल्म के मेकर्स ने फैंस को एक धमाकेदार फिल्म देने का वादा भी किया। 2015 में आई फिल्म हे ब्रो में ऋतिक रोशन और अजय देवगन थे। फिल्म में दोनों एक्टर्स कैमियो में नजर आए थे। बात करें तानाजी द अनसंग वॉरियर की तो इस फिल्म में अजय के साथ साथ काजोल और सैफ अली खान भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए हैं। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अगले साल 10 जनवरी को रिलीज होगी। इस फिल्म का मुकाबला दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक के साथ होगा, जिसे मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। वैसे आप अजय देवगन के तानाजी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Congratulations for an amazing trailer. Mera question Saif sir aur Ajay sir se. If I'm not wrong, after 2003 aap fir se aapki jodi ek baar dekhne ko mil rahi hai. To itne saalon baad kaisa tha wo bonding? Kya kuch friendship mein change hai? Kya kuch batana chahoge? Aap batana chahenge? Once they are done, I'll answer later. Hame bahut maza aaya tha jab humne kacche dhage ki thi. Jab hum pehli baar mile set pe, mujhe laga kuch zyada badla nahi, शायद थोड़े और सीरियस हो गए, मैच्योर हो गए हैं, थोड़ी अक्कल आ गई है, थोड़ी अक्कल आ गई है। मतलब पहले क्या करते थे? अरे पहले सो मच फन, वी हैड टू मच फन बिफोर। सेंसर हो जाएगा, पता नहीं। राजस्थान, द डेजर्ट, लवली इवनिंग्स, वी हैड, आई हैव ऑलवेज हैड अ रियली नाइस टाइम वर्किंग विद अजय बिकॉज़ ही इज आल्सो वेरी वेरी जेनरस एक्टर। देयर हैज नेवर बीन एनी स्ट्रेस ऑन यू नो मेरा रोल कैसा है। जब भी मैंने काम किया है तो मुझे, आई हैव हैड द बेस्ट रोल्स in my career working with him, and that is a, I think it's a great thing, it's a really special thing. He's a really confident filmmaker and actor, and everybody, whoever's worked with him has really enjoyed the experience, and I'm happy. I think of him as a friend in the industry, and I've always enjoyed working. I think Saif ne itna keh diya, main jo kahunga wo repeat hi karunga. I just love him. Ajay ji, we get along very well. At your center, hi sir. Just a small question. Apni 100th film mein aap apni lady luck ke saath kaam kar rahe hain, aur kitne saalon baad kaam kar rahe hain, वो एक एक कैसी, मतलब ट्यूनिंग तो ऑफ कोर्स अमेजिंग है ही, बट वो कैसी फीलिंग थी व्हेन यू हैव द बेस्ट लेडी ऑफ योर लाइफ इन योर 100th फिल्म? आई डोंट नो व्हाट द फीलिंग इज, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि घर पे ही है, सेट पे नहीं है। तो वी बिहेव लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी आल्सो एंड वी बिहेव लाइक दिस एट होम आल्सो, तो कोई ऐसा फर्क लगता नहीं। सेफ, 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 यू हैव मेस्पराइज्ड अस विद योर कैरेक्टर एवरी टाइम यू कम ऑन स्क्रीन, बट या 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 सिमरन सिंह, so you have mesmerized us every time you come on screen, but whenever you come with a grey shade character, be it Omkara or be it your in Tanaji playing Uday Bhan, there is something so much exciting, you know, it comes like a new avatar of you. So aap bataiye, so is it true that you really enjoy playing this grey character? Yeah, maybe, you know, I guess they also must have thought of something when they asked me to do it. It's a very special role. Yeah, I think I do enjoy it. I don't know if I would enjoy only doing that, but once in a while to do that I think is great fun. And this is a very special part, the way Om has treated it and the way they have conceived it. Okay. Hi, sir. Ajay sir and Bhushan ji, ek sawal aapse banta hai, being a producer. Ek waqt tha jab jo bhi ek saal ki shuruaat utri, log badi film mein nahi lagate the. Hum dekhte aaye hain. People used to call it as a jinx week, ya pehla hafta hum nahi lagate. But it seems that it's a brave decision of you guys, ki aap pehle hafte hi aa rahe hain, 10 Jan ko aa rahe hain. एंड देखा जाए तो इट्स नॉट अ रिपब्लिक वीकेंड ऑल्सो, मतलब चाहते तो उस टाइम पे भी रिलीज कर सकते, तो ये परसेप्शन के बारे में आप बताइए। आई थिंक वो परसेप्शन बदल चुका है कि फर्स्ट वीक, हाँ फर्स्ट वीक थोड़ा स्लो होता है, बट दिस इज आवर सेकंड वीक,
तो आई थिंक लास्ट ईयर उरी आई थी ना, लास्ट टाइम उरी आई थी 28 दिसंबर को सिम्बा आई, 10 को उरी आई, दोनों चली, ऐसे टेंशन मत। कूल सर, थैंक यू। हाय सैफ, दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़ हियर इन द मिडिल। सैफ, हम सब जानते हैं कि आप एक एविड रीडर हैं, काफ़ी किताबें पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज भी रखते हैं। जब आपके पास ये किरदार, आपको ये ऑफर हुई ये फिल्म, तो क्या आपको इसके बारे में, मराठा हिस्ट्री के बारे में उतना पता था, जो किरदार आप निभा रहे हैं फिल्म में उस किरदार के बारे में पता था, या ये फिल्म साइन करने के बाद में आपने और रिसर्च की और पढ़ा? मैंने बहुत रिसर्च की, मैंने जाके एक अमर चित्र कथा खरीदी जिसका नाम था तानाजी, आई एम सीरियस, एंड उसमें पूरी कहानी है, यू नो। बट लेकिन जब बचपन में मैंने ये कहानी सुनी थी तो ऑलमोस्ट द सेम, मैं ख़राब नहीं करना चाहूँगा, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने कुछ अच्छी मॉडर्नाइजेशंस किए हैं कहानी में, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन जब मैंने पढ़ी, यू नो ऑब्वियसली द स्टोरी इज़ अबाउट तानाजी, बट उदयभान हैज़ अ वेरी लवली रोल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एंड अ वेरी रिस्पेक्टेड काइंड ऑफ राजपूत विलन्स रोल, विच आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू। एंड आई थिंक जब हम तानाजी की, आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग द रॉन्ग थिंग, बट इफ यू थिंक ऑफ तानाजी स्टोरी, you have to mention Udayban. Yeah, it's incomplete otherwise, you know. So, and that was great as an actor, you know. I'm telling you, this film, the way it's mounted, the way it's created, I'm so happy today seeing this. I was not sure about 3D, I was not sure about how it's going to look, but I'm so pleased. This is going to be such a visual treat that I'm just happy to be a part of it, and I think a very nice part of it. Hello, Ajay sir. Well, she's very fond of Ajay. So she knew we would have a lot of fun, you know, and she's excited about the project. Hello, Ajay sir, here. नहीं ना, मैंने सोचा था ना, मैं अब ये सोच रहा हूँ कि ये 100 फिल्में मेरे लिए, तो ये एक और फिल्म है। और जो जितनी मेहनत 99 पे की थी या पहली पे की थी, वही मेहनत यहाँ है, और वही 101 पे भी करनी पड़ेगी, तो हमारे लिए तो वही एक ही चीज़ है। हेलो अजय सर, शरद, हाय। टारगेट नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे हो और वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लिए है, क्योंकि अगर कुछ गलती से गलत हो गया तो आपने क्या क्या प्रिकॉशंस ली हुई है? गलती से भी गलती ना हो, यही प्रिकॉशन ली है। नो, देखिए, आप जब भी ऐसा कोई किरदार करते हैं, आपको प्रिकॉशंस लेने ही हैं उसके अंदर, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। वही किया है मैंने, ओम सर की बात मानी है, एक्टिंग करते वक्त भी या परफॉर्मेंस के टाइम भी, क्योंकि एक आँख का इशारा यहाँ से वहाँ हुआ तो भी वो गलत हो सकता है, इतनी बारीकी से डिटेल से बताया गया है। एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर टू वर्क विथ, सो मुझे वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से बता दिए गए थे, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। हेलो जी, सी हर फिल्म में म्यूजिक नहीं, लेकिन इस फिल्म में म्यूजिक बहुत बेहतरीन है। अजय सर ने बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज करवाया है, जो आप गाना ट्रेलर में देख रहे हैं वो बहुत बहुत बेहतरीन गाना है, तो आई थिंक इट्स अ म्यूजिकल ट्रीट आल्सो। हेलो अजय सर, दिस इज आकाश, सचिन परंपरा हियर, आई थिंक दे द म्यूजिक फॉर दिस सॉन्ग, रॉक स्टार्स। हेलो अनिल जी रोट इट, ट्रैक इज आल्सो हियर। हेलो, हाय अजय सर, दिस इज आकाश फ्रॉम मुंबई मिरर, हियर। Yeah, in front of you. Yeah, so I wanted to ask, while choosing a historical subject like this, how do you maintain a balance that it doesn't become offensive to someone? You have to be very careful. You have to be very careful, and you have to be honest to history. So the fact is that, I mean, apart from being careful, we follow the history so that tomorrow, if you have to question and answer, somebody raises a question, I mean, we can tell them that, okay, this is part of history, guys. So that's how you follow it. Ajay sir, on your right, left, sorry, left. मेरा सवाल ये है कि काजोल फिल्म में काफ़ी अहम किरदार निभा रही हैं, तो ट्रेलर लॉन्च पे नहीं आई है, कोई खास वजह है? सर, गुड मॉर्निंग, वेक अप। अभी रोहित जी ने ये जवाब दिया था थोड़ी देर पहले, जागिए।
लेट कमर्स विल जस्ट टेक टू मोर क्वेश्चन सर रिसर्च का सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ जी तानाजी मालुसरे ज्योति सुबेदार शिवाजी राजे की साथ थे और उन्होंने उनके साथ में पहले भी कुछ लड़ाइयाँ की हैं कुछ जंग उन्होंने छेड़ी है उसमें की कुछ जंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए और उसके बाद में हम इसका सवाल ठीक तरीके से दे पाएँ पर जो गुरिला वॉरफेयर है जो मराठाज आर नोन फॉर गुरिला वॉरफेयर्स द मोगल्स वर माइटी दे वर ह्यूज एंड द मराठाज वर वेरी टाइनी सो दैट गुरिला वॉरफेयर इज समथिंग दैट यू विल सी अपनी माइंड वर्सेस माइट अपनी इतनी बड़ी विरुद्ध जो सेना थी उसके अगेंस्ट में अपनी दिमाग को लगा के अपनी माइंड को लगा के उन्होंने कैसी गुरिला वॉरफेयर खेली है और जंग जीती है दैट इज समथिंग दैट यू विल सी इन द फिल्म ऑल्सो